आप कुछ बोलना चाहती है एक महिला होने के नाते, ये जब मुद्दा उठाया जा रहा है, बोलिए आप। जब हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री उद्धव जी ठाकरे साहब थे, उन्होंने महिलाओं के लिए शक्ति कायदा निकाला था। आज 2.5 साल से महिलाओं पे इतने अत्याचार हो रहे हैं, फिर प्रधानमंत्री तो महाविकास पर इशारा साध रहे, बोल रहे इनके नेता अपमान करते हैं महिलाओं का, महिला उम्मीदवारों का। उन्हीं के नेता अपमान करते हैं। अभी संगम नहर में क्या हुआ है, संगम नहर में क्या, आप क्या बोल रही है, आप क्या बोल रही है? 2.5 साल उद्धव ठाकरे ने मेरा कुटुंब, मेरी जवाबदारी करा। जब तक कहा गए थे, सब सो गए थे कि क्या, जब तक महिलाओं पे अत्याचार नहीं हुए क्या? आखिरी 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 आपके माल बोला गया महिला को माल, तो ये हम सहन, इसका नुकसान होगा महाविकास, महाविकास आघाड़ी को जरूर नुकसान होगा। हम लाड़की बहन है, लाड़की बहन मुख्यमंत्री को लाएंगे, उप मुख्यमंत्री को लाएंगे। लेकिन जवाब महाविकास महालक्ष्मी योजना के जरिए दे रही है। मैं आऊंगा, बहुत सारे मुद्दे, मैं आऊंगा आऊंगा। बोलिए बोलिए आप। मैं एक सवाल दानवे साहब को पूछना चाहती हूँ। पूछिए। बदलापुर कर रहे दिशा सालियन की केस के ऊपर बोलिए, वो पहले है बाद में जवाब दीजिए। अंबादास दानवे साहब जवाब दीजिए। मुझे लगता है सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। मैं आ रहा हूँ आपका सवाल लूंगा, सुन लेते। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने इंक्वायरी करना चाहिए। ये जो विषय है इसकी इंक्वायरी करना चाहिए। संजय राठौर का क्या हुआ बताओ, आप क्या बोल रहे हैं आप? माइक नहीं छीनना। मैं आऊंगा, जिसके सामने माइक होगा वो बोलेगा। बोलिए। अरे ये कही तो मराठा आरक्षण जो बोलने तैयार नहीं है, हजारों आप चले, हजारों मराठा आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं। मराठा आरक्षण यानी बोलना पाहिजे, का दिला रे मराठा आरक्षण? चली 14 महीने अब तो उपोषण चालू है। लेकिन इस वक्त मौजूदा सरकार ने 10% का है उस पर विश्वास नहीं, 10% का जो दिया गया विश्वास नहीं है। एक मराठा, वो जो 10% है वो नहीं टिकने वाला है। इन्होंने हमी असर होगा मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर, बिल्कुल असर होने वाला है ये आगाड़ी। लेकिन मनोज आरंगे पाटिल ने तो अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, सबसे बोला अपनी उम्मीदवारी वापस लो। मनोज आरंगे जी ने बोला जो है मुस्लिम को भी आरक्षण मिलना चाहिए, मराठा को भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये भूमिका भाजपा ने करी कि अभी तक सरकार में थी तो एक एक करके बड़ा अहम मसला है मराठा आरक्षण को लेकर। मराठा बेरोजगारी पर भी मैं आऊंगा, बेरोजगार पर, लेकिन मराठा आरक्षण बहुत बहुत यहाँ पर गूंज रहा है। इम्तियाज साहब मराठा आरक्षण का जो मसला है वो एक बार फिर से काफी ज्यादा गर्मा गया है। मनोज आरंगे पाटिल, उन्होंने ऐन वक्त पर क्या किया, जो उम्मीदवारी वापस लेने का फैसला किया है, लेकिन क्या इस आंदोलन का असर होगा इस बार? देखिए, मैं मेरे पूरे मराठा भाइयों को एक बात कहना चाहता हूँ। केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसी भी पक्ष का विरोध नहीं है, सिर्फ इनकी नीयत खराब है, आपको देना नहीं चाहते हैं ये, इनकी नीयत खराब है। इसीलिए अब आपका वक्त आया है, इनको अपने घर पे बिठाइए, नई सरकार लेकर आइए, 2 महीने में रिजर्वेशन लेके जाइए। मराठा आंदोलन से जुड़े मराठा बताइए, जवाब दीजिए। सभी पार्टी को मैं एक सवाल पूछता हूँ, मराठा आरक्षण का मुद्दा किसी पार्टी ने नहीं लिया है सर? पार्लियामेंट के अंदर जरांगे पाटिल साहब का नाम लेकर इम्तियाज जलील ने जरांगे पाटिल का समर्थन किया है। जरांगे पाटिल साहब का समर्थन लोकसभा के अंदर इम्तियाज जलील ने किया है। सुन लेते हैं, बीजेपी वो बोल रहे हैं कोई पार्टी नहीं चर्चा कर रही, बताइए बीजेपी से पहला सवाल। इसके ऊपर हमारे जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हमारे जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने इसके ऊपर क्लियर अपना मत व्यक्त किया है। मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, बट वो परफेक्ट मिलना चाहिए, वो कोर्ट हो क्यों नहीं चाहिए, हो क्यों नहीं पा रहा? वो एक साल से मनोज आरंगे पाटिल आंदोलन कर रहे, हो क्यों नहीं पा रहा शिंदे गुट? देखिए वहाँ पे कायदे कानून के हिसाब से मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, किसी भी समाज का यहाँ विरोध नहीं है, क्योंकि वो कायदे के चौकट में बिठा के उन सब मराठा समाज को उनको सपोर्ट करना चाहिए। इसके लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेके हर लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं यहाँ आश्वासन नहीं देता हूँ, लेकिन आपको बताऊँ, आप बात कर रहे हैं तो बोलिए आपकी बात करके। क्योंकि जब जो भी चीज दिए थे इसके पहले भी मराठा आरक्षण का हुआ है और कोर्ट के अंदर एक इंसान ने जाके वो रद्द कराया है, इसलिए मराठा आरक्षण सही तरीके से
उन समाज को मराठा आरक्षण मिलना चाहिए, यह सबकी अच्छी भावना है। मैं सवाल करूंगा अमरदास दानवे जी, आप बताइए, हम देख रहे हैं महाविकास अघाड़ी का जो गारंटी है, आप लोग ये बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि 50% की जो आरक्षण सीमा है उसको हटाएंगे, लेकिन मराठा आरक्षण पर कोई चर्चा आप लोग क्यों नहीं कर रहे? ये देखो, इसी के लिए ही हमारी भूमिका है महाविकास अघाड़ी की, मराठा समाज को आरक्षण देना चाहिए। हाँ, आज जो सरकार हो क्यों नहीं पा रहा, पहले आपकी सरकार सुनेंगे तो बताऊंगा। महायुति की बोलिए, आप ही बोल रहे हैं, मुझे बोलिए बोलिए। मराठा आरक्षण देने के लिए 50% की मर्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अभी इम्तियाज जलील साहब ने कहा महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस सरकार जो महायुति का है, इन्होंने बड़ा गुलाल लिया अंग पे। आज मनोज जरांगे पाटिल देवेंद्र फडणवीस को कोसते हैं, क्योंकि देवेंद्र जी फडणवीस मराठा आरक्षण के मारक है सब में। ये जो गलत बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार हमारी ये महिलाओं को रिजर्वेशन देना था, वो रिजर्वेशन अमल बजावनी उसकी जो है 2034 के अंदर आएगी, 24 में नहीं, 29 में नहीं, 34 में आएगी। उसके लिए विशेष 5 दिन का अधिवेशन बुलाया था। अगर मराठाओं को सही में अगर आपको देना है तो एक विशेष अधिवेशन मोदी साहब ने इसी सत्र में घोषणा करना कि हम 5 दिन का विशेष अधिवेशन बुलाएंगे और उसके ऊपर से मराठा समाज के रिजर्वेशन के बारे में। चलिए, बड़ी बात आप यहाँ पर बोल रहे हैं, अगले मुद्दे का।